दोस्तों वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तैयार करने वाले हैं बम, वो भी पोटास पाउडर के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गंधक और पोटास को मिक्स कर जो पाउडर है वो बिल्कुल रेडी कर रखा है मैंने। और दोस्तों जो बम तैयार किए जाएंगे वो इन पाइप में तैयार किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये छोटी पाइप से लेकर ये मोटी पाइप है और इनकी जो लंबाई है वो 3 इंच है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो चार्ट है मैंने तैयार कर रहा है, कुछ इस तरीके से हम बम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पाइप है 3 इंच की, और उसके बाद पाइप के अगल बगल में मैंने 2 लकड़ी के टोटे लगाए हुए हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम इस पाइप में पोटास भरेंगे और उसके बाद जो लकड़ी के छोटे छोटे टोटे हैं उसके साथ हम इसे बिल्कुल टाइट कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद ड्रिल के जरिए हम होल करेंगे और इसमें फ्यूज़ लगा देंगे, तो जो हमारा बम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो पाइप को टाइट करने के लिए लकड़ी मैं यूज़ करने वाला हूँ वो बिल्कुल साइज मैंने बना रखा है, और इसके ज़रिए पाइप को आगे पीछे से हम टाइट करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से बम तैयार करते हैं। तो दोस्तों जो हमारे बॉम है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और दोस्तों अब बारी है इनमें फ्यूज़ लगाने की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ये फ्यूज़ यूज़ करने वाला हूं, और दोस्तों फ्यूज़ मैं तब लगाऊंगा जब हमें बम को चलाना होगा, तो तभी हम इसे तैयार कर लेंगे। तो ये जो बम है मैं चलाने वाला हूँ खेतों में, तो चलिए फिर खेतों में चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम खेतों में आ चुके हैं, तो अब बारी है हमारे इन बम को चला कर देखने की। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे को चलाते हैं। तो दोस्तों अब बारी है फ्यूज़ लगाने की, सबसे पहले हम सलाई फिरेंगे, आप देख लीजिए ये आखिर तक सलाई जा चुकी है, तो अब हमें फ्यूज़ लगाना है। तो देखिए इस तरीके से फ्यूज़ लगाएंगे। ओके, तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये छोटा बम चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए फिर इसे चलाते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी एक छोटा बम चलाया है और अब बारी है दूसरे बम की। तो ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरा बम चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसे चलाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो दूसरा बम्ब है तो आपने उसका ब्लास्ट देख ही लिया है कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अब तीसरा बम। तो ठीक है दोस्तों, अब ये चलाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसे चलाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी ये बम्ब चला नहीं है, इसकी जो लकड़ी थी थोड़ी सी ढीली थी, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं बम बिल्कुल रेडी कर दिया गया है। ये पहले बम जो फुस हो गया था, ये आगे से लकड़ी निकल गई थी इसके कारण ये फटा नहीं। तो दोस्तों अभी इसकी लकड़ियाँ पूरी टाइट कर दी गई हैं, तो अभी पता चलेगा अगर लकड़ी ना निकली तो ये ब्लास्ट तो ज़रूर करेगा। तो चलिए अब इसे चलाते हैं और चलाने के लिए इसे रेडी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे चलाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जो हमारे तीनों बम थे वो कितनी अच्छी तरह से फटे। हालांकि जो हमारा तीसरा बम था वो ख़राब हो गया था पहले लकड़ी बाहर निकलने के कारण, तो उसे जब दोबारा उसकी जगह उसी तरह का सेम बम चलाया तो उसकी आवाज़ भी आपने सुन ली है, तो कितना अच्छा ब्लास्ट होता है। ये पोटास पाउडर के बम थे। और दोस्तों अगर आपके कमेंट होने वाले हैं कि भाई पोटास कहाँ से मिलती है, तो दोस्तों ये पोटास मिलती है पंसारी की दुकान से। और दोस्तों अगर मेरे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि भाई पंसारी की दुकान क्या होती है, तो दोस्तों हमारे घरों में जो पंजीरियां बनाई जाती हैं उनमें जो देसी दवाइयां डाली जाती हैं वो देसी दवाइयां और बहुत कुछ ऐसी दवाइयों के लिए ही मिलता है पंसारी की दुकान से। तो जो पंसारी की दुकान है वो शहरों में होती है, आप अगर शहरों में ढूँढेंगे पंसारी की दुकान तो आपको ज़रूर मिल जाएगी और उस पंसारी की दुकान से पोटास भी मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी कमेंट कीजिए आपको ये तीनों बम कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।